अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? बारिश हो रही है लेकिन हाँ के तैयार हो गए हैं ऑफ़िस जाने के लिए, तो सीधा सीधा ऑफिस चलते हैं। टाइम थोड़ा ही रह गया, 8:20 हो गए, 9 बजे ऑफिस पे पहुँचना होता है, तो जल्दी ट्रेन कैच करते हैं। तो यार, आप जब भी ट्रैवल कर रहे हो ट्रेन से या बस से, तो आप ये जो ऑनलाइन बैंक होता है, जिस तरह ये मोनजो है, इसमें लाजमी अकाउंट खुलवा लेना। और इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, अगर मेरे लिंक के थ्रू आप अकाउंट बनाते हैं तो आपको 5 पाउंड मिलेंगे। बस भी ले सकते हो और दूसरा जो है ट्रेन, अंडरग्राउंड ट्रेन। बस में आपको सिग्नल वगैरह रखना पड़ता है, थोड़ा लेट हो सकते हो, ट्रैफिक ज़्यादा होती है, लेकिन ट्रेन जैसे अंडरग्राउंड है, नाम इसका अंडरग्राउंड ट्रेन है, तो बहुत फास्ट होती है सिग्नल से। तो तकरीबन लंदन में सारे बंदे ऑफिस में जाते हैं, अंडरग्राउंड ट्रेन यूज़ करते हैं, वो भी आ रही है। यार, स्टेशन चेंज करना पड़ता है क्योंकि मैं ब्रिज पे उस साइड जा रहा हूँ, मेरी जो अकोमोडेशन थी ब्रिज की तरफ थी, तो ज़्यादातर बंदों को यार वो चेंज करनी ही पड़ती है। टाइम हुआ है अभी तकरीबन 8:43। भाई ठंड आ गई है और बारिश हो रही है, और आज मैं अपना बैकपैक भी लेके नहीं आया, नहीं तो उसके अंदर जो है ना मेरा मैकबुक वगैरह होता है और उसके साथ अम्ब्रेला भी होती है। लेकिन अगर आपको पैदल चलने में मसला होता है तो आप इस तरह की जो साइकिल्स हैं ये आप यूज़ कर सकते हो पूरे सिटी सेंटर में। देख सकते हो कितनी ज़्यादा साइकिल्स हैं, और ये इनकी पेमेंट का तरीका भी लिखा हुआ है। मेरा नाश्ता होता है यार, ये लाते कॉफी। तो हमेशा यार मैं पॉजिटिव वाइब के साथ काम स्टार्ट करता हूँ। तकरीबन 11:30 के करीब मैं हमेशा चाय का छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। तो यार ये है जहाँ पे हम चाय वगैरह बनाते हैं, और ये लंच का एरिया भी यहाँ पे देख लेता हूँ, ये कितनी ज़्यादा सीटिंग अरेंजमेंट है वो सारा, ये कॉफ़ी वगैरह। कोई चार्जेस नहीं होते यहाँ पे, चाय वगैरह की फ्री में होती है सब कुछ, कॉफ़ी वगैरह सब कुछ फ्री में होता है, तो जल्दी से चाय बनाते हैं।
फिलहाल खाने का बड़ा मसला है यार सिटी के अंदर, लखनऊ सेंट्रल के अंदर जो है ना शॉर्मा या फलाफल वगैरह तो मिल जाता है आपको लीड सिटी सेंटर में, जैसे मैं हाल में था, लेकिन लंदन का इतना एक्सपेंसिव है कि फूड कार्ट और ये जो लगी होती है ना अपने जो हलाल चीज़ें होती सस्ते में, ये कोई नहीं लगी होती। और रेस्टोरेंट आप डिलीवरी करके मंगा सकते हो, और जो करीब करीब रेस्टोरेंट है वो भी अच्छे खासे एक्सपेंसिव होते हैं। तो मैं दोपहर के टाइम यार घास फूस, क्या घास फूस बोल रहा हूँ, मतलब कि सैलड वगैरह या फ्राइज़ वगैरह या जो है सैलड बार वगैरह खा के जो है गुजारा कर लेता हूँ। तो अभी भी वही खाना खाते हैं जल्दी जल्दी, उसके बाद शाम को जो है ना अच्छा खाना खाता हूँ हमेशा। ये क्या भाई, हाय हाय हाय, अभी अच्छा कैमरा इंसान नहीं दोस्तों, मैंने लिया हुआ है। कब आएगा यार ये ड्रोन? मैंने अभी तक जो है ना कभी भी वॉच चूज़ नहीं की एप्पल की वॉच, तो अभी जो इनकी वॉच आई है वो है भी काफ़ी अच्छी वॉच है, अल्ट्रा वॉच है, काफ़ी बड़ी वॉच है। मुझे लगा यार वॉच जो है ना वो 200 या 300 पाउंड की होगी, आप खुद देखें यार ये वॉच है कितने की। पहले जो है लोग आईफोन लेने के लिए किडनियाँ वगैरह बेचा करते थे, ठीक है, तो अब यार सिर्फ किडनी बेच के जो ना वॉच ही आएगी, और आईफोन 14 तो सीधा आपका दिल मांगता है, हार्ट देना पड़ेगा। और इसी सस्ती जुगत के साथ ऑफिस के आखिरी कुछ घंटे और फिर छुट्टी। आप भी बोल रहे हो अरे बार बार मुझे ट्रेन स्टेशन दिखाता हूँ, तो भाई यार लंदन की ज़िंदगी ये आधी लगता है मुझे लोगों की ज़िंदगी जो है ना अंडरग्राउंड भी निकल जाती है भाई, काम करो ट्रेन में जाओ, बस यही ज़िंदगी है लंदन की। यार हॉस्टल पहुंच गए यार, ऑब्वियसली ड्यू टू द कंपनी प्राइवेसी, ठीक है मैं आपको पूरा ऑफिस नहीं दिखा सकता, लेकिन आपको आइडिया तो हो गया होगा मतलब इस तरह गुजरता है काम करते हुए दिन पे और ट्रेन के अंदर। तो इस व्लॉग में इतना ही है, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।